नमस्कार आप सभी का स्वागत है सी आई के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं सृजन राजपूत अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर क्लास नौ के बच्चों के लिए ये सत्र रहेगा साइंस का और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशंस पार्ट वन तो बच्चों आप हमेशा यूज़ करते होंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हम सभी इसको एक फ्रेज की तरह यूज़ करने लगे हैं लेकिन आप जानते हैं कि साइंस में ये कौन सा लॉ है यही हम आज के टॉपिक से पढ़ेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें लिख सकते हैं कॉल कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन आप हमें मेल कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट दी रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अपनी गेस्ट से मिलते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू श्री चतुर चौधरी मैम फॉर्मर पी जी टी फिजिशियन सॉरी फिज़िक्स से हैं के वी एस एंड सेंट कोलम्बा स्कूल से मैम हमारे साथ हैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ जेनेवा से भी मैम आपसे आज का ये साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं और जानते हैं मोशन लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं थैंक यू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर एंड एज वी सॉ दैट आई एम गोइंग टू डील विद फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन एंड आई एम गोइंग टू डील विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज पढ़ेंगे सो उट यस मैम पहले तो क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन तो आपसे यही जानना चाहेंगे एक्चुअली में मोशन है क्या वट इज मोशन मैम सो मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जाए तो उसे हम मोशन या गति कहते हैं और वस्तु गतिमान हो जाती है तो फिलोसोफर्स uh, और दार्शनिकों की ये uh, चेष्टा रही है कि प्रकृति के बारे में जाने और उसके माध्यम से मोशन या गति के वास्तविकता का अनुसंधान करें उसी के संधान में मैंने दो फिलोसोफर्स की बात मैं पहले करूँगी अगर हम हिस्ट्री में जाएँ पन्ना पलटे, तो फर्स्ट इज़ एन एंशंट इंडियन साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर कॉल कनाद जिन्होंने वैशेषिका फिलॉसफी का, का अनुसंधान किया 600 हंड्रेड बी में इतने सालों पहले और उन्होंने बोला है कि कनाड uh, said दैट इट delineates फोर्स एज द common कॉज ऑफ मोशन दैट मीन्स ऋषि कनाद ने बोला कि फोर्स या बल ही एक चीज़ है जिससे गति होती है uh, अगर हम जाएँ uh, तीस साल बाद देन एरिस्टोटल और अरस्तू का जन्म हुआ था 384 एटी में वो एंशियन ग्रीक फिजिस एंड फिलासफर थे एंड उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखीं उसमें से एक था फिजिक्स और उसके चैप्टर सिक्स में उन्होंने लिखा कि दे मस्ट एग्जिस्ट एन अल्टीमेट स्टैटिक मूवर ऑफ ऑल द मूवमेंट्स इन द कॉस्मोस एंड हेंस हम बोल सकते हैं कि जो उस समय के फिलासफर्स थे दे व यू नो साइंटिस्ट इन जनरल येस मैम मैम आर फिलोसफी एंड साइंस रिलेटेड टू अदर ये दोनों के आपस में आ, इनका कोई रिलेशनशिप है अगर साइंस uh, का और फिलोसफी की बात करते हैं तो हम uh, कुछ तो रिलेशन है क्योंकि जॉन ड्यूई ने अपने uh, पुस्तक में लिखी थी से uh, 1897 में उन्होंने लिखा था दैट फिलोसफी इज द साइंस of discovery and invention of the truth और आ, अगर इसी को हम इस world में लें तो उसको science कहते हैं so philosophy and science are related so going further आ, अगर हम Galileo Galilei की बात करें जो कि बहुत ही popular थे उनका जन्म 1564 E.C. में आ, आ, C.E. में हुआ था बिसे A.D.

Uh, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो यू नो स्लोप्स लिए और इन इंक्लाइन स्लोप से वो hmm. आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट yes, स्लोप uh, से उन्होंने एक चीज मार्बल एनी, एनी या कुछ यू नो सर्कुलर चीज उन्होंने फेंका ठीक है तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन जब ये uh, हम मार्बल को नीचे फेंकेंगे um, वो नीचे जाएगा और फिर रुक जाएगा अच्छा पर उसकी वेलोसिटी के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि उसको जितना फोर्सफुली मैं पुश करके फेंकूंगी वो उतना ही स्पीड में जाएगा तो स्पीड क्या आ, घटेगा या बढ़ेगा बढ़ेगा वेरी गुड सो स्पीड हर समय बढ़ेगा ओवैया तो वही गैलीलियो ने देखा कि ये जो है मार्बल ये आ, नीचे गया इसका स्पीड बढ़ा और ये दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन था इट वेंट अप थ्रू दैट राइट सो इट वेंट अप तो अब बताइए इसकी गति बढ़ी या घटी ये इसकी गति कम होगी एक तो मुझे बहुत फोर्सफुली फेंकना पड़ेगा क्योंकि मैं ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंक रही हूँ अच्छा तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम केवल ऊपर से फेंक रहे हैं ठीक है उसके बाद ये ऊपर चढ़ जाती है हुँ. और आ, उस गैलीलियो ने देखा कि वो उसी हाइट पे चढ़ती है जिस हाइट से उसे यू नो फेंका गया जी तो अब अगर आप दूसरा यू नो फिगर देखें उसमें देखा गया है कि इंक्लिनेशन जो है वो अलग अलग है ठीक है पर वो आप डिस्टेंस देख रहे हैं डिस्टेंस में क्या फर्क है इसमें से द सेकेंड इंक्लिनेशन और दर्ड इंक्लिनेशन जो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर किया गया है इन द सेकेंड एंड द थर्ड यस तो गैले फाउंड आउट दैट ऑल द बॉडीज विल कीप ऑन यू नो मूविंग टिल दे रीच द सेम हाइट ओके एंड बिकॉज ऑफ विच द डिस्टेंस विल चेंज द डिस्टेंस विल इंक्रीज सो यहां आप देख रहे हैं कि सेकेंड में डिस्टेंस कवर जो है वो ज्यादा है थर्ड hmm. में जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा है तो गैलीलियो ने फाइंड आउट किया कि जो बॉडी uh, uh, जो है इट विल कीप ऑन मूविंग अगर हम इसका इंक्लिनेशन जो और भी ज्यादा कर दें हॉर्जोंटल कर दें तो तब उन्होंने देखा कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी क्यों कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी क्योंकि क्यों, उसको फोर्स हमने फोर्स उतना हमने उसमें जो है दिया है नहीं नहीं वो फोर्स उतना नहीं है बट Uh, ये जो है ये हाइट जो है hmm. उस हाइट को जाने के लिए इट वॉन्ट्स टू गो अटेन द सेम हाइट बिकॉज ऑफ विच इट विल कीप ऑन यू नो ट्रिवर्सिंग द ग्रेटर डिस्टेंसेस सो अगर हम हॉर्जोंटल करें तो ऑब्वियसली hmm. ये जो हाइट है वो अचीव नहीं कर पाएगी क्योंकि hmm. वो हॉर्जोंटल है और इसीलिए वो केवल वो जाती रहेगी ओके okay. और फिर ये जो मार्बल है क्या वो किसी पॉइंट uh, पे जो है वो स्टॉप होगा विल द मार्बल और स्टोन स्टॉप एनी टाइम सो लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट आई हैव मेड दिस एंड कैन यू जस्ट फोकस ऑन दिस सो आई एम आई हैव टेकन दिस मार्बल एंड हैव मेड दिस डिवाइस ऑलमोस्ट लाइक गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट एंड आई एम रिलीजिंग दिस मार्बल मार्बल गॉट दिस ओवर हियर एंड आई एम रिलीजिंग इट

इट इज इट हैज़ गॉट फ्रिक्शन इट हैज़ गॉट सम अदर फोर्स विच इज स्टॉपिंग इट एक और फोर्स है जो इसे घर्षण जो इसे स्टॉप करता है बिकॉज ऑफ़ विच द मावल विल स्टॉप ओवर हियर अगर गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो केवल चलता रहेगा चलता रहेगा वो स्टॉप नहीं करेगा सो वॉट डि गैलीओ कंक्लूड दैट बॉडीज मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन वेन नो अनबैलेंस फोर्स Acts on them. Wow, ma'am, it's really interesting one. Uh, uh, so after that, you know, Ren Descartes was born. He was born in 1596 CE. Uh, we hmm. don't hear about him, but he was a French physicist, mathematician, and natural philosophers, and he, you know, also did experiments on the same thing. His laws of nature were presented to the world through his second work entitled Principia Philosophy or the Principles of Philosophy. And his first law of nature as stated below deals with a single object. The first law states that each part of matter in so far as it lies always preserves in the same state and when once moved always continues to move. So, agar aap ye dekhe, this is the same you know law which Galileo hmm. stated, right. It is the same thing which Galileo stated and so this was uh, the further you know uh, he published it in principles of philosophy and then came sir isaac newton who is so um, you know popular and every child har bachcha sir isaac newton ko hai. Uh, he hmm. was born in 1642 so many years after um, uh, galileo uh, around and he was an english physicist mathematician and natural philosopher उन्होंने दे कार्ड्स का एंड गैलेलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन को फिर से स्टडी किया एंड उन्होंने तीन फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट किया सो ही इट इन हिज बुक ट्रिटाइज called Philosophy Naturalis Principia Mathematica, hmm. which is also called Mathematical Principles of Natural Philosophy, and it was published for the first time in 1687, and it encompassed the three laws of motion known as Newton's laws of motion. Mm -hmm. So in this Sir Newton law, ke hum baat bhi kar rahe hai, third one bilkul, that it will use bilkul, like hamesha use karte Newton. Ke so third over law here ko. the first law, you know uh, Joham Parenge uh, of Sir Isaac Newton, who actually Galileo ne already it. Hmm. he was already established it. So, what is Newton's first law of motion state? An object remains in a state of rest hmm. or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. What does that mean? I mean, this is the same thing that Galileo had said, that hmm. Descartes had said, and I want to show it. to you through an experiment over here so over here i have taken this uh, glass and i have kept this um coin on top of it and mm -hmm. i have kept a small piece of card over here now isme aap kya dekh rahe hain ye coin jo hai ye rest mein hai ये card जो है rest में है और ये glass भी rest में है ठीक है अब मैं क्या करूंगी that इस card को motion में hmm. I'll put it in motion.

पर गाड़ी सामने की तरफ नहीं गिरी है गाड़ी वहीं पर रुक गई तो दैट है स्टेट ऑफ मोशन देन वॉट इज गिविंग द फोर्स हियर फोर्स कौन दे रहा है ये इस कार की फोर्स जो थी वो उसको जो है पंच करती है हाँ, तो यहाँ पर हम इसको फोर्स दे रहे हैं बिकॉज ऑफ विच ये सामने की तरफ मूव करती है ठीक है उसके बाद ये क्यों कंटिन्यूसली मूव करती है तब तो हमने फोर्स नहीं दिया है बट इट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ मोशन तो ये जो है इसको हम इनर्शिया कहते हैं So, inertia is the inability of a body to hmm. change its state of rest or its uniform motion in a straight line. Hmm. So, this harsame continuously move karti hai And what happened to this sharpener? Sharpener jo ta was state of rest metha and isilye vo samne girgya because it wanted to continue to be in a state of rest hmm. similarly when a motor car takes a sharp turn at a high speed it tends to be thrown to one side because it tends to have the same direction but it hmm. again is turning hmm. now um, the question arises that do all bodies have the same inertia hmm.

मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाने की चेष्टा करूंगी सेम फोर्स सो ओवर हियर आई एम यू नो आई एम जस्ट पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स सो दैट यू सी दैट इट इज़ फॉलन डाउन आई पुट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ओवर हियर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इफ आई एम पुटिंग ओवर हियर आई एम पुटिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट वॉज अ लिटिल मोर सो इट जस्ट मूव्स इन फ्रंट एंड इफ आई पुट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ओवर हियर इट अगैन यू नो इज़ मूविंग बट इट इज नॉट यू नो पुस्ट फॉरवर्ड लाइक द सेकेंड वन तो हमने क्या देखा पहला वाला गिर गया उसमें कुछ नहीं था ओवेर एकदम hmm. एमटी था सेकेंड वाले में कुछ था वो थोड़ा सा हिला सामने की तरफ गया थर्ड वाला एकदम उसी स्थान पे थोड़ा सा हिला सो so, ओवर ओवे आ, जिसकी हेवीनेस है hmm. तो उसमें ज्यादा फोर्स लगता है उसे Change that is called, uh, or a massive object offers larger inertia. Mm -hmm. So, inertia of an object is measured by its mass. Mm -hmm. Now, coming to the third law of motion, the third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. सो दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपजिट इन डिरेक्शन दीज फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाल वॉक वी पुश दी अर्थ बैकवर्ड एंड दर्थ पुश फॉरवर्ड ये पहला वाला आप देखिए ये फिगर का सो ओवर ही सी दैट जो आदमी है वो अर्थ uh, को पीछे की तरफ पुश कर रहा है एंड अर्थ क्या कर रहा है उसको सामने की तरफ पुश कर रहा है सो ओवर हियर मैन इज एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्राउंड इज एग्जर्टिंग अ फोर्स बैक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ विच यू नो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज आर बींग एग्जर्टेड एंड ही कैन वॉक इन फ्रंट सो दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आर नोन एज एक्शन एंड reaction if you see second figure of a man swimming what happens the man is pushing the water in the backward direction and which is called the action while the water is pushing the man <coughs> in the forward direction which is called the reaction and hence the third law of motion states that to every action there is an equal and opposite reaction so other examples of third law of motion are there but i will try to first show this experiment over here <coughs> uh, if you look at this i have taken uh, this balloon which i have fixed and i have taken uh, again uh, you know a straw on top of this straw and uh, you know I try to I have blown this and I will try to take this uh, rubber band out which I had used to fix this up over here. And once I remove this rubber band then uh, you will be seeing what have I done I have filled this balloon with air so certain amount of force. Is being applied to you know um, to fix or to uh, blow this balloon up. Now, when I remove this, I have removed this and I just um, see what happens. You look at this that the balloon, the air from the balloon went in the backward direction while the balloon went in the forward direction. This is the same. Uh, you know principle on which, say, Chandrayan worked, or the rockets are working, and uh, the action is in the backward direction, and the reaction is in the forward direction. And yes. other examples in daily life, we can talk about the recoil of the gun, in which when you are uh, pushing the bullet in the forward direction, when you are releasing it, then. It is being accelerated in the forward direction, which is the action, while the gun exerts an equal and opposite uh, reaction on the person who is holding it, which is the recoil. Wow, that, that's really wonderful बच्चे आप सभी जो है ना इसे अपनी daily life में भी apply करते हैं और motion से हम सब जुड़े हैं और laws of motion को आज हमने first law एंड second third law को आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है तो I am sure second law क्या है motion का इसे लेकर हम आपके पास दोबारा आएंगे और इसके लिए आपको अभी तक अपने जितना भी सीखा है आपको उसको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के साथ साथ रिवाइज भी करना है आज का हमारा ये सेशन अब यहीं हम इसको खत्म करते हैं हैं और अपनी जो हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर मंजूश्री चौधरी मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आज के सत्र के लिए। और बच्चों एक और हमारे सेल्स काउंटर से मंगवा सकते हैं जो दिल्ली कोलकाता अहमदाबाद गुवाहाटी और बेंगलुरु में है ये सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है हमारे सेल्स काउंटर के अलावा आप ये किताबें घर बैठे बैठे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी और पीडीएफ वर्जन के लिए आपको ई पाठशाला दीक्षा या फिर मोबाइल ऐप को चुनना होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए ज़रूर विजिट करें एन सी .ncert पर या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.ncert.nic.in पर इसी सत्र से अब मैं सृजन राजपूत आपसे लेती हूँ अनुमति अपना ध्यान रखें और रिवाइज़ ज़रूर करें नमस्कार